दोस्तों ये है दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट फ्रेंशियम और इसे 100 ग्राम खरीदने के लिए आपको $10,000 पे करने होंगे। वहीं गोल्ड जो काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसकी वजह से बिजनेस इंडस्ट्री लगभग हर साल $200 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन मोस्टली इसका यूज लोग ज्वेलरी बनाने के लिए ही करते हैं। लेकिन अब इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने लग्जीरियस स्टाइल को दिखाने के लिए कार, घर के दरवाजों और यहां तक कि गोल्ड प्लेटेड बड़े बड़े प्राइवेट जेट का इस्तेमाल भी करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर गोल्ड बनता कैसे है और क्या गोल्ड को हम लोग आगे चलकर बना सकते हैं या फिर पूरी जिंदगी हम लोगों को गोल्ड इसी तरह से अर्थ से ढूंढना होगा। तो ये समझने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक दूरबीन की, क्योंकि हमारी कहानी अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस से शुरू होने वाली है। वेल दोस्तों, अर्थ की क्रस्ट में बनने वाले अदर एलिमेंट्स के ठीक उल्टा सोना स्पेस से आता है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर सोना मिट्टी के नीचे दबा है या फिर अर्थ के कोर में मौजूद है तो फिर ये बड़ी बड़ी माइनिंग एरियाज में सोना ऊपर ही क्यों मिल जाता है, और अगर अंतरिक्ष में है तो वहाँ कैसे बना। अब यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं जिनसे पता लगता है कि सोना ये जो हम लोग टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं इनसे ही मिला है। कहा जाता है कि जैसे ही एक स्टार की लाइफ खत्म होती है तो वह ब्लास्ट हो जाता है, जिसे साइंस की दुनिया में सुपरनोवा कहा जाता है, और इसी सुपरनोवा की वजह से भारी एलिमेंट्स बनते हैं जिनमें से सोना भी एक है। और यही सुपरनोवा आज से करीब 4 अरब साल पहले पूरे स्पेस में फैल गया और कुछ समय बाद हमारी अर्थ पर एस्ट्रॉइड की बारिश होती है, जिसकी वजह से ही सोना इन एस्ट्रॉइड के साथ अर्थ की मेंटल और क्रस्ट में चला गया, जिससे ये आज अर्थ पर भारी मात्रा में मौजूद है और इसे ढूंढ कर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि गोल्ड है कहाँ। इसके लिए आपको कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें भी चाहिए होंगी, इसीलिए तो हम लोग सोने को आसानी से नहीं ढूंढ पाते हैं। वहीं गोल्ड आइडेंटिफाई करने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े आराम से इसे ढूंढ लेती हैं। फिर शुरू होता है इन कंपनियों का असली काम, जिसे कहते हैं गोल्ड माइनिंग प्रोसेस। लेकिन इससे पहले इन माइनिंग एरियाज पर पहुंचने के लिए यहाँ की साफ सफाई करके रोड बनवाया जाता है और रहने के लिए कैंप्स भी तैयार किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक दो दिन नहीं बल्कि कई सालों तक माइनिंग की जाती है। ज्यादातर गोल्ड हमें लोड डिपॉजिट या फिर वियन डिपॉजिट के रूप में मिलता है। इसमें गोल्ड चट्टानों में दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होता है और इसे अलग करने के लिए ड्रिलिंग किया जाता है और जरूरत पड़ने पर ब्लास्ट भी किया जाता है। वहीं माइनिंग करने वाले वर्कर्स को जमीन के नीचे माइनिंग करने के लिए लगभग आधा किलोमीटर जाना पड़ता है, जहां इनके साथ ड्रिलिंग मशीन, जरूरी टूल्स और ब्लास्ट करने के लिए छोटे मोटे वेपन्स भी जाते हैं। और फिर शुरू होता है इन चट्टानों से गोल्ड को बाहर निकालने का काम। इसके अलावा गोल्ड को निकालने का एक और प्रोसेस है, जिसमें माइनिंग के दौरान सोने के बड़े बड़े टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है, जिसके साथ कंकड़ पत्थर भी मिक्स होते हैं। इस प्रोसेस को प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। वहीं इस प्रोसेस के अलावा और भी कई सारे प्रोसेस हैं जिनसे सोने को बाहर निकाला जाता है, और अब इस निकाले गए सोने को रिफाइनिंग के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां लगभग 4 अलग अलग तरह से रिफाइनिंग प्रोसेस किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले फैक्ट्री में इस मटेरियल को एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, और फिर इन टुकड़ों को दूसरी मशीन में सैंड की तरह पीस लिया जाता है। और अब बारी है फ्लोटेशन की, जिसमें कुछ बेसिक केमिकल का यूज करके सोने को अयस्क से अलग कर लिया जाता है। वहीं इसके अलावा सबसे मेन है वाटर एंड साइनाइड सॉल्यूशन, जिसमें पिसी हुई सैंड को पानी और साइनाइड के साथ घोला जाता है, जिसके बाद इस सॉल्यूशन को जिंक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके गोल्ड को अयस्क से अलग कर लिया जाता है। वहीं अमलगमेशन प्रोसेस भी काफी हद तक साइनाइड प्रोसेस की तरह ही होता है, बस इसमें जिंक की जगह पर मरकरी का यूज किया जाता है। इसके अलावा कार्बन इन पल्प में इसे अलग करने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोल्ड निकालने के लिए सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद 1 टन पत्थर से सिर्फ 4 ग्राम गोल्ड ही मिल पाता है, लेकिन एक साल में लगभग 7 किलो तक सोना निकाल लिया जाता है। अब यह सोना मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां से लोग सोने के बिस्किट, सिक्के और ज्वेलरी बनवाते हैं। तो ये था गोल्ड निकालने का पूरा प्रोसेस, जिससे हम लोग बड़े आराम से गोल्ड को अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।